से आ रही है 15,800 मेंटेन की कोशिश हो रही है। अजय श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अनिरुद्ध सरकार, दोनों ही बाजार के पुराने दिग्गज हैं। श्रीवास्तव साहब गुड मॉर्निंग, आपके पीछे बहुत ही शानदार पेंटिंग नजर आ रही है घोड़े दौड़ते हुए, बट यहाँ तो लग रहा है लोग ही यहाँ से दौड़ लगा जा रहे हैं बाजार से, ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स, क्या कहेंगे आप उनको? देखिए अगर दाम गिरेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे? बिल्कुल, आप तो काफी आप तो कुछ महीनों से कॉशियस थे, क्या आप रीजन देख रहे हैं अपने स्टांस चेंज करने? बड़ा सिंपल था कि इंडिया की जो बॉयंसी थी इन्वेस्टर की, वो कह रही थी कि वो रिकॉग्नाइज नहीं कर, रियलिटी को नहीं मान रहे थे, और उसीलिए आज हमें पहली बार थोड़ा सा संतुष्टि ये हो रही है कि ये मार्केट जो कह रही है हमारे को कि अब थोड़ा सा जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस का गिरा है, और यही ऐसा ही लेवल गिरने पे ही मार्केट बॉटम पे जाती है, और जब हर चीज की बिकवाली होती है, जैसे आपके गेस्ट ने पहले भी कहा कि अब कोई वैल्यू की बात नहीं रही, पीपल लोग बेच रहे हैं बिना आग बंद करके, मार्जिन कॉल होगी या कोई और दरकार होगी उनकी, बट द पॉइंट इज कि ऐसा समझ आता है मार्केट के अंदर में। और सबसे बड़ी बात, जितने ग्लोबल दिग्गज एनालिस्ट हैं सब एक ही बात कह रहे हैं कि अब तो कोलैप्स इमिनेंट है। जब कोलैप्स पे इतना यूनानिमिटी आ जाए तो आपको लगना चाहिए कि अब ये मार्केट का बॉटम आ गया, अब ये खरीदारी का टाइम भी आएगा, क्योंकि चाहे जितना मर्जी कर लीजिए आप, इन्फ्लेशन को बढ़ाएंगे ये भी करेंगे, मार्केट थोड़ा तो कुछ वैल्यू देगी कंपनी को, हो सकता है टाइम लगेगा। तो आई थिंक पहली बार लग रहा है मुझे मंडे मॉर्निंग को आके कि अब शायद जो मार्केट है वो एक अपने बॉटम की तरफ जा रही है, और जो कॉन्फिडेंस टूटा है और जो यूनानिमिटी ऑफ एनालिस्ट की है वो आपको सपोर्ट करती है थीसिस को कि अब शेयर को बेचने से कोई फायदा नहीं है, अब जो है सो है, अब आप पोर्टफोलियो को रोटेट कर सकते हैं, महंगे शेयरों को निकाल सकते हैं जो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे उनको निकाल सकते हैं, पीएसयू से बाहर आ सकते हैं, ये सब चीजें आप कर सकते हैं आज की तारीख में, बल जनरल बिकवाली अब करके कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल अनिरुद्ध, आप क्या कहेंगे? अर्ली साइंस आपको भी वैल्यू के नजर आने शुरू हो, क्योंकि देखिए एक दिक्कत वाली बात यह है कि अगर इंडिया वर्सेज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड देखे टॉप से तो हम रिलेटिवली बहुत कम गिरे हैं, तो कहीं गुंजाइश बाकी तो नहीं है? सी आई वुड से कि अगर आप देखें जो इक्विटी मार्केट्स में बेसिकली इवेंट्स, इमोशंस एंड अर्निंग्स, तो ये तीन चीजें होते हैं जो मार्केट को ऊपर नीचे करता है। पिछले 8 महीने से इट इज ऑल अबाउट इवेंट्स एंड इमोशंस, एंड अगर आज के दिन में देखेंगे आई थिंक ये इवेंट्स आर नॉट येट ओवर। सो आई वुड से कि मार्केट हो सकता है शॉर्ट टर्म में इट कैन गिव यू अ बाउंस 10%, 15%, बट आई थिंक इस टाइम पे इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग उस सेक्टर में पैसा डालें जहां पे सेफ्टी दिख रहा है, एक्सपेंसिव सेक्टर से पैसा निकाल के वी नीड टू पुट इन द मनी जहां पे इन दो सेक्टर्स जहां पे दिख रहा है कि सेफ्टी है। दूसरी बात यह है कि जो वैल्यूएशन की बात आपने बोली है, आई थिंक इंडिया हैज आउट परफॉर्म ऑल अदर इमर्जिंग मार्केट्स, इट हैज आउट परफॉर्म MSCI इमर्जिंग इंडेक्स ऑल्सो। उस कारण से आपका FII का जो पैसा है काफी सारा पैसा निकल रहा है क्योंकि ऑफ द वेटेज ऑफ इंडिया इंक्रीजिंग, क्योंकि इंडिया इतना आउट परफॉर्म कर चुका है कि इंडिया का वेटेज हैज इंक्रीज्ड, तो उस कारण से भी पैसा हैज बीन मूविंग आउट। तो मेरा जो व्यू है कि हो सकता है कि शॉर्ट टर्म आए बाउंस, हम लोगों ने काफी बार 15,700 से बाउंस किया है, बट ये वैसा टाइम नहीं होगा जहां पे आप आग बंद करके पैसा डालें, दिस विल बी अ टाइम वेर इन यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव इन विच सेक्टर्स यू आर पुटिंग योर इन्वेस्टमेंट्स इनटू। डेफिनेटली इवेंट्स और इमोशंस की आपने बात की, ऐसे में सेंटिमेंट्स कहाँ पर नजर आ रहे हैं आपको, सेक्टर स्पेसिफिक फिर नजरिया कहाँ पर रखेंगे आप? गुड मॉर्निंग। या गुड मॉर्निंग, सो आई वुड से सेक्टर वाइज वी नीड टू फोकस उन सेक्टर्स पे जहाँ पे वी आर सी की डिमांड है, जहां पे दिख रहा है कि वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव नहीं है, और जहां पे दिख रहा है कि अगले से 6 months से 12 months तक अर्निंग्स का विजिबिलिटी है। सबसे पहला सेक्टर रहेगा एनर्जी का। एनर्जी आज के दिन में अगर आप देखेंगे इज एक्चुअली अ इंटरनेशनल इशू, एंड उस एरिया में इंडिया इज कंपैरेटिवली मच मच सेफ, तो वहां पे जो एनर्जी का जो स्पेस है वहां पे आई वुड से कंपनीज जो आज के दिन में पावर प्रोडक्शन कर रहे हैं, कंपनीज जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं फॉर पावर प्रोडक्शन, कंपनीज जो सोलर एनर्जी एंड हाइड्रोजन एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां पे आई वुड से इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट बेट फॉर अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म। दूसरा जो सेक्टर दिख रहा है इज द एग्री इकोनॉमी। अगर आप देखेंगे पिछले 4 से 5 साल एग्री साइड ऑफ द इकोनॉमी हैज नॉट डन वेल, एंड लास्ट 2 साल पैंडेमिक में फार्मर्स इनकम हैज बीन इंपैक्टेड, बट आज के दिन में अगर आप देखेंगे ऑल द फैक्टर्स आर सपोर्टिव कि एग्री इकोनॉमी का जो सेक्टर है वो अगले 6 से 12 महीने में डेफिनेटली पिकअप करेगा। फूड इन्फ्लेशन देखें, दैट इज सपोर्टिव ऑफ एग्री इनकम। गवर्नमेंट का सब्सिडी टुवर्ड्स फर्टिलाइजर्स हैज इंक्रीज्ड अ लॉट, वो भी आपके एग्री इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा।
और तीसरा है अ गुड मॉनसून, मे बी इट माइट बी जस्ट अ फ्लैट मॉनसून, वो भी सपोर्ट करेगा. तो जो तीनों चीजें हैं उसके ऊपर से जो गवर्नमेंट का जो स्पेंड है ऑन द इंफ्रा साइड ऑफ आर एग्री इकोनॉमी भी इंक्रीज हो रहा है. सो ये दूसरा एरिया होगा जहां पे आई वुड से इट्स अ गुड बेट. और आखिरी में जो तीसरा सेक्टर लगता है जहां पे सेफ बेट है इज इंडस्ट्रियल्स एंड इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, चाहे उसमें आप डिफेंस बोले या फिर जो डोमेस्टिक द वाइट गुड मैन्युफैक्चरर्स बोले, ये एरिया लग रहा है जहां पे इन्वेस्टर्स शुड फोकस ऑन. तो ये तीन सेक्टर्स है जहां पे लग रहा है कि अगले 6 से 12 महीने में सेफ्टी इज देयर अलॉन्ग विद अ वैल्यूएशन कंफर्ट. अनिरुद्ध, तो इंडस्ट्रियल साथ ही मैन्युफैक्चरिंग, वाई गुड्स मैन्युफैक्चरिंग, ये कुछ पर्टिकुलर स्पेसेस हैं जो अनिरुद्ध को पसंद आते हैं. अजय मॉर्निंग, एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ जिस तरह से कंसर्न्स बात की जा रही है, आप भी बात करें कि शायद थोड़ा सा यहाँ से और पेन देखने को मिल सकता है इंडियन इक्विटीज़ में, तो क्या ऐसा भी केस बनता है कि इंडियन इक्विटीज से पैसा शायद डेट में या FDs में वहाँ पर भी मूव हो जाए, क्या ये भी एक सिनेरियो बनता है? देखिए, अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि ये होगा और इसका इम्पैक्ट आएगा SIPs पे आएगा, बट अभी उसके लिए टाइम है क्योंकि अभी भी FD रेट जो बैंकों के हैं वो अभी भी आई थिंक 5, 5.5, 6 से ऊपर नहीं गए हैं. जब तक ये FD रेट 8, 8.5 पे नहीं पहुंचेंगे तब तक ये शायद अभी नहीं होगा, बट जिस दिन ये रेट FD के बैंक के रेट 8, 8.5 के आसपास चले गए उस दिन से आप पहला इम्पैक्ट देखेंगे, SIP की इनफ्लो कम हो जाएगी. होप, उम्मीद ये है कि ये 3 महीने में होगा ये इवेंट और 3 महीने में जो FI की बिकवाली है वो खत्म हो चुकी होगी और थोड़ा सा डिमांड सप्लाई, सी फंडामेंटल अर्निंग तो इतना थोड़ी चेंज होगा कि आपका अर्निंग्स तो जो आप खरीद रहे हैं प्रोडक्ट वो भी आप खरीदेंगे, जो आप खा रहे हैं चाय पी रहे हैं वो पियेंगे, वो बंद थोड़ी करेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ी है मे बी चाय का प्याला छोटा कर देंगे. बट द पॉइंट इज कि आज की जो वैल्यूएशन मेट्रिक्स जो चल रही है उसकी FI की सेलिंग ने जो हमारे मार्केट को तोड़ा है वो शायद महीने 2 महीने में हल्का हो जाएगा और जब तक ये इम्पैक्ट हमारे SIP पे आएगा तब तक शायद ये बैलेंस हो जाएगा. ये हमारे को उम्मीद है कि ये होने के चांसेस काफी हैं. अभी SIP में कंट्रोल मुश्किल है बिकॉज जिनके लॉसेज हैं पोर्टफोलियो में उनके पास कोई चारा नहीं है कि इसको एवरेज नहीं करेंगे, उनके पास अब कोई चारा नहीं बचा है, तो इसलिए अभी इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं लगता, बट 3 महीने के अंदर में SIP फ्लोस कम होने के बिल्कुल चांसेस हैं बिकॉज ये मनी MF का मनी डेफिनेटली बैंक FD में और डेट इंस्ट्रूमेंट में रिडायरेक्ट होगा. राइट अनिरुद्ध, सीमेंस ने अभी एनालिस्ट मीट की अपनी सैटरडे को और वो बता रहे 65% इम्प्रूवमेंट ऑर्डर बुक में. वो कह रहे हैं कि इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट के बावजूद प्राइवेट और पब्लिक कैपेक्स की वजह से ऑर्डर अच्छे आ रहे हैं. इधर MNM कह रहा है कि नया प्लांट लगाएंगे, 10 साल में पहली बार एक नया ट्रैक्टर प्लांट लग रहा है, ये कैपेक्स का साइन नहीं तो और क्या है? आपके हिसाब से कितना कितना खुशी की बात है ये? एब्सोल्यूटली, इसलिए यू नो व्हेन आई मेंशन कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग एक स्पेस है जहाँ पे हम लोग एक्सपोजर इन्वेस्टर्स का ले रहे हैं, दैट इज वन स्पेस जहाँ पे अगर आप देखें जो प्राइवेट कैपेक्स है दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी एंड जो गवर्नमेंट का कैपेक्स है वो भी पिकअप होने वाला है. अगर आप कंपनी से मिले अक्रॉस सेक्टर्स, चाहे आप ऑटो बोले, केमिकल्स बोले, टेक्सटाइल्स, मिड साइज इंडस्ट्रियल्स, प्रैक्टिकली everyone is putting up capex and ये सब आपका ऑन स्ट्रीम आने वाला है अगले 12 से 18 महीने में. एंड जो ऑप्टिमिज्म है अमंग कंपनीज इन इंडिया वो ये पिक्चर इमर्ज कर रहा है कि whenever this dust around the international news it comes off, चाहे आपका जो रशिया का वॉर चल रहा है या फिर इन्फ्लेशन, द US फेड हाइक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी कंसर्न है, whether in 4 months या 6 months जब भी ये खत्म होगा, one thing will emerge is that इंडिया विल इमर्ज एज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी. एंड वो चीज एक चीज है जो कॉन्फिडेंस दे रहा है कि नाउ वी शुड बेट ऑन दो सेक्टर्स जहां पे कैपेक्स हो रहा है, जहां पे इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है एंड दे विल स्टार्ट यील्डिंग. एंड आई वुड से दैट वैल्यूएशन वाइज इंडिया विल रिमेन एक्सपेंसिव. लाइक मेनी पीपल आर्ग्यू कि आज के दिन में इंडिया का वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव है, बट अगर आप 10 साल 20 साल देखेंगे इंडिया हैज ऑलवेज रिमेन एक्सपेंसिव. सो ये प्रीमियम इंडिया को मिलता रहेगा मेनली बिकॉज ऑफ आर इकोनॉमिक पावर. आज के दिन में भी वर्ल्ड इकोनॉमी ग्रो कर रहा है 2.5, इंडिया इज ग्रोइंग एट 7.5, दैट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. तो आई वुड से कि ये जो आपने पॉइंट बताया अबाउट डोमेस्टिक कैपेक्स, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फोकस एरिया फॉर इन्वेस्टर्स. अजय, आप नेक्स्ट 6 महीने में कहाँ पे अपना एक्सपोजर इंक्रीज करना चाहेंगे आप जब प्राइसेस अट्रैक्टिव होना शुरू हुए आपकी नजर में? देखिए, पहला हमारा एक्सपोजर जो इंक्रीज होगा अगर करेंगे तो वो करेंगे प्राइवेट बैंक से, बिकॉज अगर वहां पे रिकवरी नहीं आएगी ये मार्केट को बैंक ही लीड करेंगे. लास्ट रिकवरी बैंक में इसको भी अगर बैंक नहीं बढ़ेंगे आपके प्राइवेट बैंक
तो इकोनॉमी का बढ़ना बड़ा मुश्किल है इसके हिसाब से। एक बैंक एक काइंड ऑफ मैट्रिक्स है कि अगर इकोनॉमी बढ़ेगी तो बैंक बढ़ेगा। तो पहला हमारा है कि इसके अंदर में हम इसमें बढ़ाएंगे अपना एक्सपोजर इसके अंदर में। दूसरा जो हमारा एक्सपोजर है जो उसको अगर हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे वो फिर वापस है कमोडिटीज के अंदर में, फिर वापस जाएंगे बिकॉज वैल्यूएशन काफी अच्छा हो गया है तो उसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है डिविडेंड खाने के लिए और उसे खाने के लिए। डिफेंस स्टॉक हमारे कंटिन्यू कर रहे हैं, आपसे कई बार जिक्र हुआ है, वो हम उस पर और भी इन्वेस्ट करेंगे अगर करेक्शन होगा उनके स्टॉक्स में बिकॉज वहां पे डिमांड पोटेंशियल बड़ा क्लियर नजर आ रहा है। मेरा काफी ऑप्टिमिज्म हमारे सह एनालिस्ट ने बताया इंडियन इकोनॉमी पे। प्रॉब्लम इंडियन इकोनॉमी की एक बड़ी है जो हम समझते नहीं कि हमारी एक बड़ी के शेप रिकवरी हुई है और 75% ऑफ इंडिया को आज भी अनाज चाहिए है अपना पूरा खाने के लिए। मतलब जो हमारी जो परचेजिंग पावर है वो अब कुल मिला के 10-15% पॉपुलेशन पे रह गई है जो कुछ सामान खरीदते हैं या उनके लिए हमारी इकोनॉमी चला रही है। और उसको देखते हुए अगर हमारे पास में इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज नहीं आया, बेसिक पॉलिसी और प्राइवेट कंजम्पशन वो नहीं बढ़ेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ मार्केट में रिफ्लेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आपने देखा होगा अभी भी प्राइवेट कंजम्पशन हमारी जो आपकी लेटेस्ट GDP नंबर आए हैं वो भी अभी 2019-20 से आज भी कम है उस साल के मुताबिक। तो अगर हमारे पास इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज नहीं आता है, जैसे अभी हुआ है, बढ़िया हुआ है कि आपने ऑयल का टैक्स रेट काटा है, वो और नहीं होगा तो फिर इकोनॉमी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज हम कोल इंपोर्ट कर रहे हैं, पावर डेफिसिट हो गए हैं, आज की तारीख में पावर की कॉस्ट कहां से कहां चली गई है, इंटरेस्ट कॉस्ट हाई चले जाएगा। तो जो कैपेक्स जो हम कह रहे हैं कैपेक्स साइकिल वो कैसे आगे बढ़ेगा बिकॉज जो थ्रेशोल्ड रिटर्न जो चाहिए इन्वेस्टर्स को या कंपनियों को वो बढ़ती जाएगी। पहले आप बोरो कर रहे थे 6% पे, आप बोरो करेंगे अब 9% पे। तो अगर आपका जब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं बढ़ेगा और डिमांड नहीं बढ़ेगी, प्राइवेट कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी, तो सरकार अकेले इकोनॉमी को नहीं आगे बढ़ा सकती। एंड गवर्नमेंट इज द मोस्ट इनएफिशिएंट स्पेंडर ऑफ मनी, ये सब जानते हैं दुनिया के अंदर में। तो मेरे हिसाब से अगर इकोनॉमिक पॉलिसी में काफी चेंजेस नहीं आए जो प्राइवेट कंजम्पशन को बढ़ाएंगे, ये ग्रोथ स्टोरी को रिफ्लेक्ट करना मार्केट में बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कोर सेक्टर पे रहेंगे, बैंक पे रहेंगे और वेट करेंगे कि इकोनॉमिक पॉलिसी इनिशिएटिव बढ़ेंगे, PSU डाइवेस्टमेंट होगी, तब उसके बाद में बात होगी। आप देख ही लिया कि PSU डाइवेस्टमेंट भी अब बिल्कुल रुक सी गई है, कोई इस साल में कोई नजर नहीं आ रहा कौन सा कंपनी हमारे करेगा। तो इकोनॉमिक स्टोरी में ऑप्टिमिज्म है लेकिन अगर पॉलिसी इनिशिएटिव नहीं हुए तो ये ऑप्टिमिज्म शायद काफी डिसअपॉइंटमेंट में बदल जाएगा। अजय अनिरुद्ध बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर विस्तार से अपना नजरिया, सेक्टर स्पेसिफिक अपनी राय, अपनी एनालिसिस हमारे बीच रखने के लिए। हैव अ नाइस डे टू यू।